बाबा का समागम हो रहा था, जिसमें जब समागम अंत हो रहा था तो उस समय उमस के अत्यधिक उमस के कारण जब वहाँ से लोग निकलने को हुए तो उस समय ये घटना कारित हुई है। यहाँ पे जो अभी CHC से जो मुझे डॉक्टरों ने बताया है कि लगभग 50 से 60 के आसपास की एक फिगर एक हैं जिन जो मृतक हुए हैं। इसमें जनपद हाथरस में तहसील सिकंदरा अंतर्गत गांव मुगलगढ़ी में एक आयोजन भोले बाबा का समागम हो रहा था, जिसमें जब समागम अंत हो रहा था तो उस समय उमस के अत्यधिक उमस के कारण जब वहां से लोग निकलने को हुए तो उस समय ये घटना कारित हुई है। देखिए अभी इसमें जिला प्रशासन अपनी तरफ से पूरी इसमें कार्रवाई कर रहा है, जिसमें कि सभी घायलों को अस्पताल और जितने भी अन्य लोग हैं उनको वहां से निकाल के अस्पताल भेजा जा रहा है। अभी एग्जैक्ट नंबर बताना पाना संभव नहीं है। 27 जी, यहां पे जो अभी CHC से जो मुझे डॉक्टरों ने बताया है कि लगभग 50 से 60 के आसपास की एक फिगर एक हैं जिन जो मृतक हुए हैं। इसकी परमिशन SDM साहब द्वारा दी गई थी और इसमें एक प्राइवेट आयोजन था जिसमें कि पूरी ड्यूटी कानून व्यवस्था और सुरक्षा के लिए लगाई गई थी और इसमें बाकी व्यवस्था जो अंदर की जानी थी वो स्वयं उनके द्वारा की जानी थी और इस संबंध में उच्च अधिकारी द्वारा एक उच्च स्तर पर एक जांच कमेटी जांच भी गठित की गई है। जी एग्जैक्ट ये जांच में सब निकल आएगा। एग्जैक्ट अभी ये इस स्थिति में मैं नहीं हूँ कि बता सकूँ। अभी हमारा फोकस, जिला प्रशासन का फोकस ये है कि जितने भी घायल हैं और मृतक हैं उनको जो भी शासकीय सहायता है और वो और जो उनको इलाज उपलब्ध कराना है वो तुरंत प्राथमिकता पे कराया जाए। ब्रजेश कुमार, क्या हो रहा था, किस जगह हो रहा था ये कार्यक्रम? ये फुलरई से सिकंदराव पे हो रहा था, मुगलगढ़ी के पास कार्यक्रम, हाथरस जिले में। किसकी सवारी, क्या था कार्यक्रम? ये विश्व सागर अजी महाराज है, उनकी सवारी। उनके जाने के बाद ये हादसा हुआ है। उनके सामने नहीं हुआ? नहीं, उनके सामने नहीं हुआ, तो निकल रहे थे। वो निकल गए, वो निकल गए, उनके जाने के बाद हुआ हादसा। हाँ, क्या हुआ था? ये रोड के किनारे खड़े हुए थे, धक्का लगा, वो नीचे गिरते हुए चले गए, एक दूसरे के ऊपर गिरते चले हुए, नीचे जो लोग दब गए वो निकल नहीं पाए। कम से कम 100 आदमी थे, कम से कम नीचे दबे हुए हैं वो। हाँ हाँ हाँ, कुछ एक्सपायर भी कुछ ज्यादातर हो चुके हैं वहाँ पे, 20-25 तो ऑन स्पॉट ही कर चुके हैं, ऑन स्पॉट खत्म हुए। क्या हो रहा था यहाँ, किस जगह हो रहा था? यहाँ भोले बाबा सागर विश्वरी का सत्संग हो रहा था। यहाँ लाखों की संख्या में एकत्र थे लोग। किस जगह थी ये? फुलरी मंगलगढ़ी सिकंदराव हाथरस। अच्छा अच्छा, कितने लोग आए होंगे? यहाँ लाखों की संख्या में थे लोग। तो व्यवस्था नहीं थी क्या? व्यवस्था थी, मगर इनके गुरु आए, गुरु जाने के बाद में यहाँ उनकी गाड़ी के पीछे भगदड़ मची, उसमें दब के मर गए। तो आप थे यहाँ सत्संग में? हाँ जी, सभी लोग थे यहाँ। बहुत कैसे, कितने लोग करीब इसमें इंसिडेंट हुए? एक्सीडेंट नहीं हुआ यहाँ पर, ऐसे गुरु की गाड़ी गई थी ना, तो वो जा रहे थे कि हमारे प्रभु गए, ये आ गए, उसमें दबने दब गए, एक से ऊपर में चढ़ गए वो। कम से 100-200 आदमी तो है पक्का। हाँ, घायल भी मर गए, एक्सपायर हो गए, बच्चे, पुलिस भी थी, कम थे इनकी इनकी सिक्योरिटी। जितेंद्र केसर, नगर पंचायत पलकना से हूँ, पलकना से। आप समागम में मुगलगढ़ी कितने बजे आए थे? नहीं, मुगलगढ़ी मैं नहीं आया था, मेरी माता जी आई थी। माता जी कितने बजे आई थी? माता जी सुबह से आई थी 10 बजे करीब। तो इसमें जो घटनाक्रम में क्या घटना घटी थी? इसमें घटनाक्रम में यह है कि अंदर कोई घटना नहीं हुई है, घटना जो भी हुई है वो पुलिस प्रशासन की वजह से रोड पे घटना हुई है। पुलिस प्रशासन ने जो है मुस्तैदी से अपना काम नहीं किया है और उसकी वजह से पुलिस प्रशासन अभी इसी टाइम में, योगी जी अगर मेरी बात सुने हो, तुरंत पूरे स्टाफ को सस्पेंड किया जाए, नहीं हम लोग रोड पर उतर के सस्पेंड करेंगे। अभी मैंने DM साहब से एक सवाल किया था, कि आप सर मुझे ये बता दीजिए कि ये जो लोग मरे इनका क्या होना है? तो जो भी उनके साथ जो पुलिस वाले हैं उन्होंने मुझे धक्का मारा है, चल हट। और DM साहब ने बोला कि गल ले जाओ बॉडी को। हम ये चाहते हैं कि जो भी हो, एक मिनट सुनिए, जो भी हो हमारी मांग ये है कि देखिए, जैसे कि अभी यहाँ पे 70% लोग मरा है ना, उसमें इसके हॉस्पिटल के खिलाफ FIR होनी चाहिए,
डीएम साहब के नाम एफआईआर होनी चाहिए पहले नंबर, तो दूसरे नंबर, और दूसरे नंबर स्टाफ के नाम एफआईआर। जो लगातार लोग भी हमें इस बात का अवगत करा रहे हैं कि बाबा के खिलाफ भी एफआईआर होनी चाहिए, उसमें बिल्कुल जो भी है होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए।